हम लोग ने ये समझा कि क्योंकि मेयर दलित का है ये लोग बॉयकॉट किए होंगे, मेयर दलित है बोल के ये लोग बॉयकॉट किए हैं, या तो ये डेवलपमेंट माइंड नहीं है बोल के बॉयकॉट किए। अजमल गोला का नाम है, सीनियर कारपेंटर सैयद अहमद साहब का नाम है, उस पर बात नहीं करना चाहिए बोल के तो कुछ नहीं है ना। आप भी वो एजेंडे पे बात कर सकते थे। फर्स्ट पॉइंट, हाल ही में कृष्ण नायक कारपेंटर जो है रूलिंग पार्टी के लीडर भी है, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि अजमल गोला अहमद जो है कारपेंटर ये दलित प्ले कार्ड खेल रहे हैं। जो बीजेपी के कारपेंटर और मेयर ने जो मीटिंग को बॉयकॉट किया था उसकी वजह ये बता रहे हैं कि दलित मेयर है। वो लोग एक प्रेस मीट करेंगे, प्रेस मीट में वजह बताएंगे कि वो लोग की बाइकआउट करने की वजह क्या थी मीटिंग। तो आपका और अहमद पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि आप और अहमद एक्स मेयर जो है दलित प्ले कार्ड खेल रहे हो। दलित प्ले कार्ड क्यों खेलेंगे हम? हम दलित प्ले कार्ड नहीं खेले हैं, मगर जब हमारा जनरल बॉडी मीटिंग हुआ है वो भी हमारा एक सदन है जहाँ पे पॉलिसीज बनते हैं, पॉलिसीज इन द इंटरेस्ट ऑफ गुलबर्गा सिटी के लिए बनते हैं। वो सदन में जब हमने ऑनरेबल मेयर से पूछा कि वजह क्या है बॉयकॉट करने की, आपकी पार्टी है, आपके ही लोग हैं और आप प्रिसाइड कर रहे हैं जनरल बॉडी मीटिंग को और आपके लोग ही आपका साथ छोड़े हैं बॉयकॉट करें, वजह क्या है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो हम लोग ने एज्यूम किया, हम लोग ने ये समझा कि क्योंकि मेयर दलित का है ये लोग बॉयकॉट किए होंगे, यही वजह हो सकती है ना। नहीं तो दूसरी चीज ये है, अगर आप प्रोसीडिंग देखेंगे हमारे सदन की जनरल बॉडी मीटिंग की, तो आप उसमें एक चीज महसूस कर सकते हैं कि हम ये दो वजह बताएं कि या मेयर दलित है बोल के ये लोग बॉयकॉट किए हैं, या तो ये डेवलपमेंट माइंड के नहीं है बोल के माइंड बॉयकॉट किए। क्योंकि सदन हमारा जो है, हमारी जनरल बॉडी मीटिंग जो है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से डेवलपमेंट की और गुलबर्गा सिटी के इंटरेस्ट की पॉलिसीज बनते हैं। वहाँ पे हर इशू उठा के कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट को समझा के चीज़ें इम्प्लीमेंट हो। तो ऐसी मीटिंग जब कोई बॉयकॉट कर रहा है, जो कई सालों से हम वेट कर रहे थे, कई सालों से मेयर नहीं रहने की वजह से, बॉडी नहीं रहने की वजह से जनरल बॉडी मीटिंग नहीं हुई, कई चीज़ें कंफर्म करना था, कई चीज़ें रिकॉर्ड पे लाना था, ऐसी मीटिंग में, ऐसी जनरल बॉडी मीटिंग ये लोग बॉयकॉट करते हैं, तो आप बताइए वजह क्या हो सकती है। उनका ये कहना है कि हम जल्दी एक प्रेस मीट करेंगे, प्रेस मीट में विद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या वजह है, क्या क्या उनके जो भी इंटरनल मसले वो सब प्रेस मीट के जरिए बताएंगे। बिल्कुल, तो इससे ही समझ में आ रहा है ना, प्रेस मीट करेंगे, बताएंगे, बोलेंगे। भाई एक चीज समझो और समझने की बात यह है कि ये जनरल बॉडी मीटिंग है, इसकी सिंसियरिटी, इसका सीरियसनेस आप में नहीं है। जनरल बॉडी मीटिंग हो के अभी एक हफ्ता होने आ रहा है और आज तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को नहीं बता रहे हैं कि आप ऐसी जनरल बॉडी मीटिंग जो कई सालों तक इंतजार कर रहे थे वो जनरल बॉडी मीटिंग आपने बॉयकॉट किया और टाइम ले रहे हैं आप लोगों को बताने के लिए। ये लेम एक्सक्यूजेस है, ये चीज़ें हैं ना अपने आप की अपनी गलती छुपाने की बातें हैं। उनका ये भी कहना है कि जो 34 एजेंडेस है, 34 एजेंडेस में से मोर देन 30 यानी कि 32 एजेंडेस कांग्रेस के हैं, जबकि उनका कहना है कि बीजेपी जब कॉर्पोरेशन में रूलिंग में है तो 25-28 प्लस एजेंडेस बीजेपी के रहना बल्कि कांग्रेस के है। कृष्णा रेड्डी जो कॉर्पोरेटर है उनका भी स्टेटमेंट आया है कि उनका कहना है कि मेयर जो है बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस का मेयर है, हर चीज कांग्रेस से पूछ के कर रहा है, कांग्रेस जैसा बोली वैसा कर रहा है। जो 30 से ज्यादा एजेंडे है सब कांग्रेस के ही एजेंडे है। देखिए अभी किसी को पर्सनली जाके किसी के बारे में बताना मुझे गवारा नहीं करता है, मगर एक फैक्ट है, एक रियलिटी है, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई ऐसा गाइडलाइंस नहीं है कि भाई इतने के इतने एजेंडे रहना चाहिए और इसके इतने एजेंडा रहना चाहिए। रूलिंग पार्टी के ज्यादा रहना, वो एक अजम्पशन है कि रूलिंग पार्टी है तो उनके ज्यादा होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है एक सोच है। और रूलिंग पार्टी लीडर को ये, और रूलिंग पार्टी लीडर को और दूसरे दीगर कॉर्पोरेटर्स को जिसने ये सवाल पूछा है, ये समझना चाहिए कि इसका बेस कैसा है जनरल बॉडी मीटिंग का, ये बेस बनता कैसा है। ऑनरेबल मेयर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, एक एडवाइज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनाते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चारों चेयरमैन, ऑनरेबल मेयर, ऑनरेबल डिप्टी मेयर, रूलिंग पार्टी लीडर और अपोजिशन पार्टी लीडर, अलॉन्ग विद दोनों पार्टी की तरफ से
सीनियर कॉर्पोरेटर्स मौजूद होते हैं, एक बॉडी फॉर्म होती है, एक कमिटी फॉर्म होती है, और जब भी जनरल बॉडी मीटिंग ऑनरेबल को बुलाना है या इनिशिएट करना है तो फर्स्ट वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बुलाते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कस होता है, पूछा जाता है, बोला जाता है, रिकमेंडेशंस लिया जाता है कि भाई जनरल बॉडी मीटिंग में तो क्या ये कॉर्पोरेटर्स वहां पे मौजूद थे या नहीं? बिल्कुल मौजूद थे, पूरे चारों चेयरमैन मौजूद थे, रूलिंग पार्टी लीडर मौजूद थे, डिप्टी मेयर मौजूद थे, सीनियर कॉर्पोरेटर्स मौजूद थे। तो इस पे डिस्कशन हुआ है, और डिस्कशन इज नॉट दैट इट इज इन द एयर, वो रीड एंड रिकॉर्ड होता है एडवाइजरी कमेटी में, उसके प्रोसीडिंग्स में आपको जब भी जरूरत पड़े काउंसिल सेक्रेटरी से या काउंसिल से ले सकते हैं। उसमें डिस्कस होने के बाद ही एजेंडे आते हैं, एजेंडे बनते हैं, वो उस पर डिस्कशन होता है। और ऐसे एजेंडे है जो आई थिंक इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिटी ओनली, तो कोई ना कोई बात करना चाहिए ना, या हम बात करो या आप बात करो, मगर वजह ये बताओ कि आप क्यों बॉयकॉट किए। कुछ कुछ अपोजिशन लीडर्स का ये कहना है कि जो डेवलपमेंट के एजेंडे नहीं थे, जो एजेंडे है टोटली गुलबर्गा सिटी के डेवलपमेंट के लिए एजेंडे नहीं थे, इसलिए उनका बॉयकॉट किया है वो लोग, बोलते कुछ और भी कॉर्पोरेटर्स का कहना। नहीं नहीं, देखिए फिर वो एक्चुअल समझना नहीं चाह रहे हैं या समझ पा नहीं रहे हैं कि जनरल बॉडी मीटिंग होती कैसा है। अगर इनके एजेंडे है, हमारे ही एजेंडे हैं, आप उठ के बात करना चाहिए था, मौजूद होना इम्पोर्टेंट था ना, प्रेजेंट होना इम्पोर्टेंट। आपको कौन रोका था कि भाई ये एजेंडे पे नहीं बात करना चाहिए, इसमें फलाना अजमल गोला का नाम है सर, हमारे सीनियर कॉर्पोरेटर सैयद अहमद साहब का नाम है, उस पर बात नहीं करना चाहिए बोल के? तो कुछ नहीं है ना, आप भी वो एजेंडे पे बात कर सकते थे, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट एक चीज़ रहती है कि जैसा आप जनरल बॉडी मीटिंग में बैठते हैं, क्यों आप एक सब एजेंडा भी ले सकते हैं मेयर को रिक्वेस्ट करके। आप अपने लेटर हेड पे जो एजेंडे लेना चाह रहे हैं, जो सब्जेक्ट पे बात करना चाह रहे हैं, आप एजेंडा देना चाहिए था, आप मौजूद रहे तो ही होगा ना, बॉयकॉट करने से तो सोल्यूशन नहीं है ना। आप मौजूद होके कि भाई हमारी ये एजेंडा है ये ले लो, तो मेयर के डिस्क्रिप्शन हो जाता था कि भाई शुरुआत में लूँ जनरल बॉडी मीटिंग के, या आखिरी में लूँ, या बीच में लूँ, वो टाइम अलॉट करते थे। टाइम अलॉट करने के बाद आप उस एजेंडों पे बात कर सकते थे, पर आपको प्रोसेस ऑफ द हाउस ही नहीं मालूम है, आपको प्रोसेस ऑफ द जनरल बॉडी मीटिंग नहीं मालूम है, आपके पावर्स आप क्या है आपको नहीं मालूम है, तो आपसे बॉयकॉट करने से आप इसको सोल्यूशन समझ रहे हैं? तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस, कुछ सेंस बनता ही नहीं है इस पे। पीके वर्कर्स के ऊपर क्या कहना है? 6 महीने से सैलरी नहीं ली है, अजमल गोला कॉर्पोरेटर और अहमद एक्स मेयर कॉर्पोरेटर जो है ये चीज के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, और पीके वर्कर्स का जो है पिछले 6 महीने से उनका सैलरी नहीं हुआ है, वो चीज वो लोग भी दलित के ही है, तो वो चीज के पीछे नहीं जाके ये लोग मेयर दलित का है बोल के ऐसा एलिगेशन लगाए। कृष्ण देखिए एलिगेशन लगते हैं, पॉलिटिक्स है, सियासत है, तो एलिगेशन लगेंगे, मगर अहमद साहब का जो एक्सपर्टी है, जो सीनियर एक्सपर्टी है, जो उनको एक्सपीरियंस है, आप एजेंडेस पढ़िए या एजेंडेस किसी एक्सपर्ट्स को पढ़ाइए। हम जनरल बॉडी मीटिंग में इतना इंटरेस्ट से बात करना और एजेंडेस पास कराने की वजह यही है, क्योंकि सैयद अहमद साहब का यही बोलना था, अगर जनरल बॉडी मीटिंग पोस्टपोन होती है, प्रोसीडिंग्स है, एवरीथिंग इज रेड एंड रिकॉर्ड, हमारे सदन में जो भी होता है एवरीथिंग इज रेड एंड रिकॉर्ड, तो रेड एंड रिकॉर्ड के आप RTI के थ्रू डाल के इन्फॉर्मेशन ला लीजिए, उसमें मालूम पड़ेगा कि अहमद साहब क्या बोले। अगर आज SFC जो ग्रांट हमारा पास हुआ नहीं हुआ GB में जनरल बॉडी मीटिंग में, तो हमारे PKs की सैलरी का प्रॉब्लम आता है। अगर वो पास नहीं होता तो वो और बहुत परेशान हो जाते थे। अगर हम भी बॉयकॉट करते या जनरल बॉडी मीटिंग नहीं होती तो हमारा SFC ग्रांट जो आया है जनरल बॉडी मीटिंग में कंफर्म होके पास नहीं होता तो PKs को सैलरी का मसला और आ जाता था। हमारा इश्यू वही था, हमारी शुरुआत ही वही हुई है जनरल बॉडी मीटिंग में कि भाई ये मीटिंग कंटिन्यू करना है, ये जनरल बॉडी मीटिंग को कंक्लूड करना है, और जनरल बॉडी मीटिंग को कंक्लूड कर इसलिए करना है क्योंकि अगर हम नहीं करें तो हमारे जो ग्रांट्स आए हुए हैं आज अप्रूवल नहीं दिएंगे, कंफर्मेशन नहीं करेंगे, तो आगे बहुत ही सारे मिसलेनियस एक प्रॉब्लम आएंगे, जिसमें PKs की सैलरी का भी एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं अपोजिशन लीडर होने के बावजूद भी मैं मेयर ऑनरेबल मेयर की एक गट्स की और हिम्मत की बात देता हूँ कि उन्होंने जनरल बॉडी मीटिंग लिया, एजेंडेस पे बात की, एजेंडेस पास किए और जनरल बॉडी मीटिंग कंक्लूड की,
तो ये बताता है कि एक डेवलपमेंट माइंड की तरफ से उनका और एक क्वेश्चन जो हाल ही में आश्चर्य कॉलोनी में 40 दलित्स के घर को डेमोलिश किया गया है, तो ना ही कोई आपके कांग्रेस के एमएलए गणेश फातिमा मैडम विजिट किए हैं, ना ही डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर करे हैं, ना ही कोई आपके कांग्रेस के कोई भी लीडर्स वहां पर विजिट नहीं करे, जो 40 घर डेमोलिश हुए हैं, तो उसके ऊपर भी बीजेपी के कॉर्पोरेटर का एलिगेशन लगाए हैं। वो लोग भी ये बोले हैं कि अगर आपको उतना ही दलित का ये रखना है तो आप लोग वहां पे क्यों विजिट नहीं किए। देखिए वहां पे और उनका ये भी कहना है कि जब अगर बात दलित पे आ रही है तो सिर्फ आप मेयर के ऊपर क्यों जा रहे हैं, दूसरे कई भी चीजें हैं जो दलित के ऊपर गुजर रहे हैं उसको आप फोकस क्यों नहीं कर रहे, बल्कि ये भी कहना है। फिर एक्चुअली उनको क्रक्स ऑफ द इशू नहीं मालूम है, जो भी रूलिंग पार्टी लीडर ने ये या कोई भी एलिगेशन उठाया है तो उनको क्रक्स ऑफ द मैटर नहीं मालूम है, क्योंकि जिसका भी घर डेमोलिश हुआ है, घर नहीं था वो, एक टेम्प्ररी शेड था, और वो सर्वे नंबर 9/3 में शेख रिजर्व में वो लैंड पे था। अब जाइए वहाँ पे सर्वे करिए, वहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है आपको, वहाँ पे पूर्व कार्मिक जो हमारे दलित भाई हैं, पीके वर्कर्स जो सुबह उठ के नाली साफ करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, स्वच्छ भारत का अभियान का मेन बैकबोन वो लोग है, हाँ, वो लोग के लिए डिफरेंट ब्लॉक्स में घर बना के दिया जा रहा है, समझे। ये जो 40 घर जो बोला जा रहा है कि 40 घर को तोड़े गिराए, वो एक एंक्रोचमेंट के तहत पे सर्वे नंबर 9/3 शेख रोजा की जगह पे, जहाँ पे टोटली 4 ब्लॉक बनते हैं पीकेस के वास्ते, एक ब्लॉक में 12 फ्लैट हैं, टोटल 48 फ्लैट्स की जगह पे एंक्रोच करके बैठे हुए थे। तो जब एंक्रोचमेंट है तो राइट बनता है सिटी कॉर्पोरेशन का एंक्रोचमेंट तोड़ने का। किसके लिए तोड़ रहे हैं, जो पीकेज हैं, जो हमारे लिए सुबह उठ के काम करते हैं, और जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्वच्छ भारत अभियान का स्वच्छ रखने के लिए गुलबर्गा सिटी का जो बैकबोन है उनके लिए है वो, उसका इनको नॉलेज है नहीं, बोल रहे हैं या एलिगेशन लगा रहे हैं, मगर मैटर और क्रक्स ऑफ द मैटर यही है कि पीकेज को वहाँ घर दिया जा रहा है और हमारी पार्टी दे रही है और वो लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे आप बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स को, पहली बात तो वो लोग ने मीटिंग अटेंड नहीं की, बायकॉट किए हैं, अभी उसके बाद में कल उनके कॉर्पोरेटर और रूलिंग पार्टी के लीडर ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है, उसमें कहना है कि अहमद और अजमल जो है दलित प्ले कार्ड्स खेल रहे हैं, और जितने भी एजेंडा है कांग्रेस के अहमद और अजमल प्रोसीडिंग करे सुबह जो बाकी के कॉर्पोरेटर्स नहीं करे, बोलते ये कहना। नहीं, मैं तो हम तो ये चीज़ का जवाब दिया है आपको शुरू में, मगर मेरा मैसेज यही है कि आप लोग अलग करके आपको एक नहीं, उनका कहना ये भी है कि हमारे एरियाज में डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं हो रहा, ये जो जीबी थी हमारी डेवलपमेंट की रिगार्डिंग नहीं थी, इसलिए हम लोग ने बाइकआउट किया, बल्कि कुछ इंटरनल ऐसे हमारे जो पहचान के कॉर्पोरेटर उनसे हमने सुना है कि देखिए जनरल बॉडी मीटिंग मतलब क्या है, जनरल मतलब मीन्स वॉट, वो समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे कोलिग्स को, मेरे बीजेपी के मित्रों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लोगों ने आपको इलेक्ट करके आप उनका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको काउंसिल में भेजा है, हाउस में भेजा है, तो हाउस के नॉर्म्स, प्रोटोकॉल्स, हाउस के रूल्स मालूम करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, आवाज़ आपके लिए नहीं उठाना है, आपके वार्ड के लिए नहीं उठाना है, आप गुलबर्गा शहर के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, गुलबर्गा पॉलिसीज़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, गुलबर्गा डेवलपमेंट में गुलबर्गा के इंटरेस्ट में क्या कर सकते हैं उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। ये आप छोटे छोटे चीज़ों को एक एक्सक्यूज़ बना के बॉयकॉट करके आप अपना मौका छोड़ रहे हैं, लोगों का रिप्रेजेंटेशन गंवा रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि हम यही प्लेटफॉर्म, यही सदन, यही हमारे जनरल बॉडी मीटिंग से लोगों के लिए आवाज़ उठा के शहर में एक बदलाव लाएंगे, एक डेवलपमेंट का माहौल बनाएंगे। आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो इससे क्लियर लोगों में एक मैसेज चले जाएगा कि आप डेवलपमेंट विरोध है, आप डेवलपमेंट नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट का सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। बीजेपी का मेयर नहीं है, कांग्रेस का मेयर है, उसके बारे में कुछ नहीं, बीजेपी का ही मेयर है, कांग्रेस के एजेंडे पे वर्क कर रहा है, कांग्रेस एजेंडा ऐसा किसी के पर्सनली या पर्टिकुलरली एजेंडे नहीं रहते हैं, एक नाम दिया जाता है प्रपोज्ड बाय अजमल गोला, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि अजमल गोला ही उस पर बात करे,
समवन एल्स ऑल्सो कैन टॉक, कोई और भी बात कर सकता है, बट प्रिपेयर्ड आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि भाई किस बुनियाद पे बात करना है, क्या बात करना है। अगर आप सिर्फ यही लगा रहे हैं कि इसका नाम है हम नहीं बात करेंगे, तो आप गुलबर्गा के डेवलपमेंट की बात में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। आपका भी सेम रोल रहना चाहिए गुलबर्गा डेवलपमेंट में जितना कि पूरी काउंसिल का, पूरी बॉडी का, पूरे हाउस का रहता है। बीजेपी जो पार्टी है जो बॉयकॉट की है, इतने शिद्दतों के बाद अपना बीजेपी मेयर बनाई, बाहर से MLCs लाके वो लोगों ने अपना मेयर बनाए, इलीगल प्रैक्टिस करके अपना मेयर बनाए, उसके बावजूद भी ये बोल रहे हैं कि हम बॉयकॉट डेवलपमेंट इश्यूज़ में किए हैं, दूसरे कोई इश्यूज़ में नहीं किए हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि माध्यम के सामने आइए, मीडिया के सामने आइए और आपकी वजह बताइए कि आपने क्यों बॉयकॉट किया है, और लोग समझदार हैं, आपकी बातों पे समझ जाएंगे कि आपकी असली वजह क्या थी बॉयकॉट करने की।